छत्तीसगढ़ में भी पठान का विरोध, बजरंगियों ने थिएटर में बंद करवाई मूवी। फिल्म का बैनर उतार, सड़क पर जलाए पोस्टर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में शाहरुख खान की पठान मूवी का जमकर विरोध किया जा रहा है। बजरंगियों ने किंग खान और दीपिका पादुकोण को देश विरोधी बताते हुए उनके खिलाफ जमकर नारे लगाए। इस दौरान उन्होंने भिलाई 3 की मुक्ता टॉकीज में चल रही मूवी को बंद कराते हुए उसके बैनर को उतरवाया और पोस्टर जलाए गए। इस दौरान वहाँ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। बुधवार सुबह ही बजरंग दल के कार्यकर्ता हाथों में झंडे लेकर मुक्ता सिनेमा के बाहर पहुंचे। बजरंगियों ने वहां जमकर हंगामा किया। इस दौरान टॉकीज के मैनेजर ने मूवी को बंद करवा दिया। इतने पर भी जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो उन लोगों ने टॉकीज में लगे फिल्म के बैनर को उतरवाया, फिर फिल्म के पोस्टर को सड़क पर जलाया गया। राजधानी रायपुर में भी बजरंग दल फिल्म का विरोध करेगा। दोपहर 2 बजे शहर के सिटी सेंटर मॉडल, पंडरी, अंबुजा मॉल और मैग्नेटो मॉल में शहर अध्यक्ष अभिषेक के नेतृत्व में फिल्म का विरोध किया जाएगा। बजरंग दल के शैलेंद्र सोनी ने बताया कि बार बार सनातन धर्म और देश का अहित करने के लिए शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण सहित बॉलीवुड के बहुत से लोगों ने कसम खा रखी है, इससे देश का अहित हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसका विरोध करता है। इस तरह का काम करने वाले देश विरोधियों की पिक्चर हम नहीं देखेंगे। ये पैसा कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मदद के लिए जा रहा है। शाहरुख खान बता दें कि उन्होंने भारत के हित के लिए कब पैसा दिया है। ये लोग देश विरोधी है, इनकी मूवी को नहीं चलने दिया जाएगा।